चलो पेट्रोल फ्यूल एकदम कंप्लीट हो चुका है। खून भी बड़ा हुआ इधर पे रे, इस साइड से गाड़ी टकराई है, यहाँ से चपकी हुई है, बाप रे। आप बढ़िया है बाबा, ये केके भैया, केके भैया याद है कि नहीं? केके भैया ओ अंदर भाई, अच्छा नाक बंद कर देना। ओके हेलो, 1 2 3 1 2 3 गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के कितने 10 और हम लोग 11 बजे चेकआउट करने का है। सारे लोग बाहर आ चुके हैं, बट तुम्हारा भाई ना क्या कल सोया है। देखो कल एक तो हम लोग ने क्या किया, 300 किलोमीटर की राइड करी है। 300 किलोमीटर राइड करना बहुत बड़ी बात होती है, 350 किलोमीटर वो भी भाई ऐसा हाईवे रोड है, गर्मी है, ट्रेन ऐसा है, कर्व्स मोड है, हिली एरिया है, मतलब बहुत मजा आया। उसके बाद हम लोगों ने पार्टी शार्टी करी, उसके बाद हम लोगों ने स्विमिंग पूल में कूद पड़े, उसके बाद हम लोगों ने कैंप फायर किया। आपने देखा होगा शॉर्ट ज्यादा लेनी पहनते थे, इसलिए ले नहीं पाया। बाकी असली मजा अब आएगा कि हम लोग निकल रहे हैं वापस भोपाल की तरफ, शायद हम लोग घूमने जाएंगे मांडू, अभी कुछ डिसाइड नहीं है। बट 11 बजे तक प्रशांत भाई ने बोला है जो फाउंडर है कि भैया आप 11 बजे ग्राउंड पे आ जाए, अभी 10:15 हो गया, फटाफट नहाना है नहीं भाई, क्या स्विमिंग पूल में हम लोग घंटों तक नहाए तो नहाने का सेंस बनता नहीं है। फटाफट तैयार हो जाते हैं और फिर निकलते हैं बाहर, और मैं आपको बाहर जाकर दिखाता हूँ कि हम लोग ने कैसे कहाँ जगह पर रुके थे और जो स्विमिंग पूल था वो कैसी प्लेस में था। पहले फटाफट ब्रश कर लेते हैं, जल्दी कर बाबा, पहले मेरे को भी करना है यार। हाँ पॉटी करना है तो वहीं वहाँ कर सकते हैं, पर पॉटी में एक समस्या ये है कि ये ना साला पॉटी तो बढ़िया है पर इसमें फ्लैश नहीं है, ये है। अरे तेरी तो साला, मेरे को दिखा नहीं, मैं कल बाल्टी से पानी डाल रहा था। हाँ भाई अब यहाँ अब अपन क्या सोचेंगे कि फ्लैश यहाँ होना चाहिए, बट इतना ऊपर फ्लैश ये यहाँ होता, इतनी ऊपर लगा के रखा है। और भाई बहुत तेज धार मारती है, देखो ये देखो बाबा, ये इतनी तेज धार मारती है ना कि फटी जाए सब कुछ, वो बहुत खतरनाक है, पर उंगल एक नंबर है बाबा। तो अभी फटाफट चलते हैं, तैयार होकर आपसे मिलता हूँ, बाय बाय। तो भाई ये अपन आ गए बाहर, यहाँ बैठने की व्यवस्था है और ये अपना रूम था और यहाँ पे सारी पार्क है हमारी बाइक, 1 2 3 अभी सारी कुछ बाइक भाई बंदे लोग बाहर लेके गए, क्यों 30 बाइक है तो निकल ली थी टोटल 30 बाइक थी, कुछ लोग बाहर भी गए घूमने फिरने। ये था स्विमिंग पूल, कल मैं यहाँ से आया भागते हुए, फोन लेके डूब गया, आपको क्लिप में दिख रहा होगा, अभी पानी का भी साफ दिख रहा है। कल हम ट्यूब से भी तैरने की कोशिश कर रहे थे बट तैर नहीं पा रहे थे, तो स्विमिंग पूल है आपको दिख रहा है कि कम डेप्थ है बट डेप्थ उसकी ज्यादा है, 6 फीट के आसपास की डेप्थ है। ये अपना चल रहा है ब्रेकफास्ट, ये भाई आलू बड़े पोहे हैं और ये अब्दुल्ला भाई बोल रहे हैं कि भाई आलू के समोसे में क्या क्या पोहे में प्याज कौन डालता है, भाई बिना प्याज के पोहे खाते ही नहीं, पहली बात तो आपका मुझे पता नहीं। और ये अपना भाई नया बने हैं दोस्त, ये अपने कोलार में रहते हैं, भाई अपना बताओ अपने बारे में कुछ भाई, इंग्लिश में ये पता नहीं हम कौन से फोर्ट में आ गए, नाम पता है किसी को फोर्ट का?
कौन सा जार का जहाज महल है मांडू में कोई, ये देखो भाई सामने दिख रहा होगा, टिकट हमने ले लिए सारे यहाँ पे आ रखे हैं, सब जा रहे हैं अंदर, हम लोग भी जा रहे हैं। ये महल है बाबा, अब अंदर पता पड़ेगा यार जहाज है कि नहीं। और बाबा उत्कर्ष ले आया जैकेट, अब मैंने बोला था बाबा मत ले क्या, संभालो तुम, मैं हेलमेट संभाल रहा हूँ, भाई ये संभाल रहा है। और हम लोग की बाइक अभी यहीं पैकिंग कर दी हम लोगों ने, और हमारे जो वो है ना बैग्स वगैरह वो वहीं पर रखे हुए, अभी पहले यहाँ घूमेंगे उसके बाद भोपाल से निकलेंगे, अभी तो मांडू एक्सप्लोर करेंगे हम लोग। भैया बताओ कॉन्सेप्ट क्या था, भैया बताओ, भैया बताएंगे थोड़ा शर्मा रहे हैं, बता दो चलो लो ऐसे बता दो क्या पूछ रहे हैं, मतलब ये जो जहाज मैंने उसको क्यों कहा गया, जहाज तो आपने को दिखा नहीं, कॉन्सेप्ट समझाओ। इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो पूरा जो महल बना हुआ है ये जहाज के शेप में बना हुआ है, अगर आप दूर से देखेंगे तो ये बिल्कुल जहाज जैसा लगेगा, और आसपास पानी है तो इसलिए इसको जहाज महल बोला गया। तो भाई देखो ये आपको सामने पानी दिख जाएगा, इधर पे उस तरफ पानी आपको मैंने दिखाया, तो इसलिए इसका नाम जहाज महल है। अगर दूर से देखोगे ना आप जैसे आधे किलोमीटर दूर से, तो जहाज का शेप आप देखो इसमें दिखेगा, बिल्कुल जहाज का शेप दिखेगा। तो बाकी हवा हवा महल देखने हो तो वो आपको जयपुर में मिलेंगे, वहाँ तो वाकई में वो हवा में भी है, और जल महल तो जल में एक्चुअल में है, ये भी है, बट सब क्या भाई वो उस टाइम पे बात अलग थी, अब राजा महाराजा निपट गए तो बचा ही नहीं कुछ है, यहाँ से पानी गिरा यहाँ भरा, फिर यहाँ वहाँ का भी है, वहाँ का भी स्टोरेज पानी है, अच्छा यहाँ भरा तो यहाँ अगर वेस्टेज पानी बाहर निकल गया, और यहाँ मैंने नदी हुआ करती होगी, अब यहाँ पार्क बना दिया होगा, है ना, पानी भराएगा नहीं सीधा अंदर, सीधा अंदर देखो भाई ये देखो इंजीनियरिंग, उस टाइम इंजीनियरिंग हुआ करती थी यार, मतलब सही है यार, देखो दिमाग 1500 सन की बात है, 1500 की एडी या बीसी क्या बोलेंगे, बीसी बोलेंगे एडी बोलेंगे, बिफोर क्राइस्ट आफ्टर डेथ क्या है, जो भी ये पढ़ाया था हिस्ट्री में। तो भी आपने वो कॉन्सेप्ट देखना जो मैंने आपको दिखाया, ये जो भी ये ईट वाला, तो उसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये लोग जो क्या करते हैं ईट को थोड़ा तोड़ देते हैं मशीन के थ्रू, आप देख रहे होंगे, उसके बाद क्या करते हैं कि वो उसको ले जाते हैं गाय के पास, वो देखोगे बेल तो वहाँ बड़ा बड़ा मोटा पत्थर लगा हुआ है, तो वो घूम के पूरा उसको पीस देती है, तो उसमें चूना यूज करके उसको बनाते हैं मसाला, तो उस मसाले से क्या होता है कि कहीं भी रिपेयरिंग करनी हो, घर टूट गया हो, तो वो उसको यूज में ले लेते हैं भाई, होने को तो भाई देखो मशीन बहुत सारी अवेलेबल है, बट टेक्नोलॉजी आ गई है, बट ये लोग अभी टेस्ट वर्क यूज कर रहे हैं, क्योंकि भाई अब ठीक है उनकी इच्छा अपने को नहीं पता, बाकी अब निकलते हैं भाई क्योंकि बहुत घूम लिया, गर्मी बहुत तेज हो रही है ना, अब फटाफट निकलते हैं और उसके बाद निकलेंगे भोपाल, अब क्योंकि जहर गर्मी हो गई है, वहाँ बारिश हो रही थी, यहाँ बारिश बिल्कुल नहीं है, ये हम सारे घूम के बातचीत कर रहे हैं, थक गए ना बोल लोग, चलो देखते हैं सुमित कहाँ, शायद स्विमिंग पूल में बैठा है, देखते हैं उसको क्या कर रहा है वो वहाँ पर, क्या कर रहा है भाई तू, क्या कर रहा है, अरे कुछ नहीं यार, इंडिया लीग चल रही है ना, उसके बचे हुए मैच के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, तो बस उसी को देख रहा हूँ, और तुझे पता है क्रिकेट अपना पहला प्यार है, तो भाई बस अभी कुछ टाइम पहले अपन ने माइल सर्कल डाउनलोड किया, तो माइल 11 सर्कल क्या है ये, माइल 11 सर्कल में अपना वो सौरभ गांगुली दादा वो हो गए, तुम्हारे राशिद खान हो गए, तुम्हारे जिंक रहाणे हो गए, और तुम्हारे वीवीएस लक्ष्मण हो गए, उन सभी लोग का लेजेंड्स का अमेजिंग रोस्टर, इतना ही नहीं और यहाँ पर हम पता है वीवीएस लक्ष्मण राशिद खान जैसे चैंपियन के साथ गेम भी खेल सकते हैं, क्रिकेट भी खेल सकते हैं, उनसे मिलने का मौका भी मिल सकता है हमको, ये बता यहाँ पर खेलते कैसे हैं, अरे वो तो बहुत ईजी है, माइल 11 सर्कल पर खेल रही दोनों टीमों में से 11 खिलाड़ी चुनो, अपनी टीम बना लो सिंपल, इस बार माइल 11 सर्कल फैंटेसी गेम ऐप पर अब तक का सबसे बड़ा 5 करोड़ रुपए का फर्स्ट प्राइज मिल रहा है, सही में क्या बात कर रहे हैं, अरे हाँ भाई बिल्कुल सही सुना तुमने, और यहाँ पे पता है स्किल्ड खिलाड़ी भी यहाँ पे 5 करोड़ रुपए जीत सकता है, और भाई और सुन, अगर आप यहाँ पे राशिद की टीम या लक्ष्मण की टीम को हराते हो तो वहाँ पे आप 5 गुना कैश भी जीत सकते हो, इसमें वेलकम बोनस और एक्स्ट्रा कैश भी है क्या भाई, जी हाँ भाई, आप सभी दर्शकों को 1500 रुपए का वेलकम बोनस मिलेगा, और आपके फर्स्ट डिपॉजिट पे 20% कैश मिलेगा, समझे की बात सुन, जो तू यहाँ पैसा अर्न करेगा ना वो तेरे अकाउंट में क्रेडिट भी हो जाएगा, और ये सिक्योर भी, बाबा कोई टेंशन वाली बात ही नहीं, वही पता है यहाँ कुछ विनर्स हैं जो हाल ही में माइल 11 सर्कल पर करोड़पति बने हैं, जल्दी से बता इसको डाउनलोड करना कैसे है, तो गाइस फटाफट जाओ लिंक डिस्क्रिप्शन, डाउनलोड करो माइल 11 सर्कल ऐप को, और वहाँ अपनी टीम बनाओ और खूब खेलो, बाय बाय। अब हम सारे निकलने की तैयारी में हैं, होटल फन एंड फूड को टाटा बाय बाय, और शाम के बज चुके हैं 5:02 बजे, निकलने का शेड्यूल था बट 5 बज गए बिकॉज ऑफ, क्योंकि सब घूमने चले गए, बारिश हो गई, कुछ बंदे ऑलरेडी जा चुके हैं, कम से कम 10 बाइकर्स जो थे ऑलरेडी निकल चुके हैं क्योंकि उनको कल ऑफिस का सिस्टम रहता है ना, बाकी हम लोग बचे हैं 7-8 या 10-15 आई डोंट नो कितने हैं, तो इतने बचे हुए इतने जा रहे हैं, बारिश हो गई है, मोस्ट प्रोबेबली हमको 12 बजे यहाँ से जाते हुए आराम से 12 बजने वाला है हम लोगों को, चलो भाई लोग फटाफट। चल भाई अब गाड़ी चलाएगा उत्कर्ष, थोड़ी देर तो फिर मैं ले लूंगा क्योंकि ब्लॉक करेंगे, बाकी अभी चलो भाई, मौसम एक नंबर है बाबा, मौसम की कतई जहर है बाबा, बस थोड़ा ध्यान रखना ये हमें होगा कि भाई बारिश में गाड़ी फिसले ना, हाय हाय ओए होए ओए होए। तो
भाई ये देखो सारे लोग कैसे ही मुड़ रहे हैं, ये देखो भाई सारे लोग कैसे मुड़ेंगे। चल भाई ऐसे शॉट अच्छे आ जाएंगे मेरे, अगर मैं पीछे खड़ा रहूंगा ना तो आपको पूरा एकदम अच्छा बेहतरीन व्यू आएगा यहाँ से। देखो हम टोटल भाई 10 या 11 बाइकर्स हैं, मेरे को दिख नहीं रहा, 1, 2, 3, 4 घंटे हैं ना अपन, समझ में नहीं आ रहा भाई। एक तो बारिश भी हो रही है ना, दूसरी चीज साला ये कैमरा भी, ओहो वाह मजा तो बहुत आ रहा है ये। तो भाई मैंने कर लिया बाइक स्विच, अपने भाई लोग आगे रह गए, मतलब आगे चले गए, अपन पीछे रह गए, फटाफट कवर करते हैं उनको। और भाई मैंने बोलते उसको बोला कि भाई तू बाइक में चला लेना, बट अभी क्या है मुझे शॉर्ट्स लेने दे, अंधेरा हो जाएगा तो वैसे कोई दिखेगा नहीं, तू चला लियो, बट मेरे को भी चलाने दे, हमें जल्दी कवर करना है अपने भाई लोगों को। ओके ओके, तो भाई सारे पेट्रोल पंप पे रुक गए, हम आगे आ गए हैं, जल्दी गायब होगा ना ये लोग। अपनी गाड़ी में तो तेल है बाबा, क्या अपने को जरूरत नहीं है, अपनी गाड़ी में तो है ना तेल, आप लोगों को जरूरत ही नहीं है। तो भाई अपने को जरूरत नहीं है, अपनी गाड़ी में ऑलमोस्ट हाफ फुल टैंक के आसपास ही है, तो अपने को नीड नहीं है, अपन ही वेट करते हैं। तो भाई चलो पेट्रोल फ्यूल एकदम कंप्लीट हो चुका है, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। अब भैया हम लोग ज़्यादा स्टॉप नहीं लेंगे क्योंकि भाई हम लोग ऑलरेडी लेट चल रहे हैं, और अपने भी 3 बंदे और अभी भी पीछे भाई, क्योंकि वो लोग क्या है ना कि गाड़ी का पंचर हो गया था ना टायर, तो वो टायर बनवाने में लगे हुए, हम लोग को वो कवर कर लेंगे अभी, तो हम लोग निकले पहले तो कैमरा वापस साफ करना पड़ रहा है मुझे भाई। और भोपाल यहाँ से ऑलमोस्ट पड़ेगा हमें 280 या 90 किलोमीटर के आसपास, क्योंकि हम लोग जहाँ से आए थे वो थोड़ा घूम के आए थे महेश्वर पर, हम लोग जा रहे हैं डायरेक्ट भोपाल यहाँ से, तो 280-270 के आसपास हमें पड़ेगा। और टाइम हो गया भाई 5:30-6:30, तो 12 बजे तक तो हम पहुँचेंगे, ये तो पक्की बात है बाबा, कोई दिक्कत नहीं है, 12 बजे के घर जाके सो जाएंगे फटाक से। बजेगा क्योंकि यहाँ से अभी भी 250 किलोमीटर बचा हुआ है, 50 इंदौर और 200 अपना भोपाल। चलो बाबा हाँ आ जाओ आ जाओ, लेट्स गो। उसका चलाएगा इंदौर तक, उसके बाद फिर मैं चलाऊंगा पूरी घर तक, बाकी उसका सभी चला रहा है। चलो भाई लाइन अप हो जाओ। यहाँ चल रहा है बाबा हम लोग का एकदम तगड़ा वाला लंच, लंच क्या डिनर बोलते हैं ना अंग्रेजी में, खाना। अरे खाना चल रहा है यार, क्या अंग्रेजी। हम लोग 1, 2, 3, 4, 5 वहाँ बैठे हैं, बाकी सारे बंदे वहाँ बैठे हुए हैं। अरे साहब इधर हाथ पैर तो हिला दो एक बार मनोज भाई, उधर ये इनका खाना चल रहा है, इधर हमको चल रहा है। और अभी भोपाल बचा है अपना 160 के आसपास, मोस्टली 2 बजे तक अपने पहुँच जाएंगे, और फिर देखते हैं क्या घर पे सोऊंगा रूम में, मुझे नहीं पता, जो भी होगा देख लेंगे। अंकल वो ले आओ, वो चावल और अचार वो मस्त है अपने को। क्या
क्योंकि डाइवर्जन एक इधर से उधर ले लिया तो आप किलोमीटर भटक जाते हैं। ठीक है ना, मेरे आगे ही रहो और डबल ओवरटेकिंग मत करो। हाँ, डबल ओवरटेकिंग करो, अपनी स्पीड मैच कर लो, फिर उस रिस्पॉन्स में चलो। आगे का भी ध्यान दो राइडर का, वो पीछे वाले का भी ध्यान दो। गाड़ी कौन सी उत्कर? वोल्टो वो है। अरे ये तो पता नहीं कौन सी कंपनी है। पुलिस को बुला दो, बात खत्म। पुलिस को बुला लो, आपको चलना है तो हमारे साथ चल दो, भाई को ले चलो ना, अपन हॉस्टल में नहीं। हाँ। कर देंगे ना। पानी है किसी का? आप ही देखिए तो भाई, इन्हीं भैया एक्सीडेंट हो गया खतरनाक वाला। भाई लोग गाड़ी अंदर कर दो यार, गाड़ी अंदर कर दो भैया, दूसरी गाड़ी भैया। हम सारे रुक गए हैं भैया को देख के, एक्सीडेंट देख के अकेले हैं वो, और पता नहीं बहुत हालत ख़राब है गाड़ी की। बाबा बाप रे, इस साइड से गाड़ी टकराई है, यहाँ से चपटी हुई है। बाप रे बाप, अभी अभी टकराई है? हाँ अभी रिसेंटली हुआ। खून वून भी बड़ा हुआ है इधर पे रे, खतरनाक हुआ भाई। इधर से गेट भी नहीं खुल रहा है। अभी यहाँ अकेले मत रुको, आप अकेले मत रुको। नहीं ये तो कहाँ दिखे अपने को, अकेले तो है वो, चार लोग कहाँ है? तीन और थे जो चले गए। कब चले गए हॉस्पिटल? हाँ। ये भैया क्यों रुक गए? तो बोल रहे ना शायद हॉस्पिटल ले गए। बाबा आर यू ओके? ठीक है, तो हम लोग लेके आते हैं इनको। मुझे कैसे आ गई? ओए ओए छोटे गोलो, ओए चल भाग, चल भाग जा। ये देखो भाई, ये भी खोल के बैठ देगी, ये सब इनका आता है। तो भाई लोग फाइनली मैं आ चुका हूँ घर, और हम लोग मतलब सुबह 4 बजे घर पहुंचे थे। इसके बाद में सो गया दिन भर, फिर उठा, अब अभी उठा। ओ ये तो डॉगी है मेरे पास। ओए ओए भाई देखो, एक यहाँ पे सो रही है और एक यहाँ सो रही है, मैंने अभी ये पता नहीं कहा है, चलो इनको सोने देते। तो भाई हम लोग 4 बजे घर आ गए थे, इसके बाद फिर मैं सो गया, बहुत सो गया, मतलब मैं तोड़ के सो गया हूँ, बेल के सो गया हूँ। उसके बाद अभी उठ गए, और हाँ भाई जो जिनका एक्सीडेंट हुआ था उनको हम लोगों ने नाके तक छोड़ दिया था। उनके बाद उनके दोस्त आ गए थे, उनको लेके चले गए थे। तो भाई बस बाकी हम लोगों ने उनकी हेल्प करी, प्रशांत भाई जो अगले थे वो रुक गए थे, सब लोग रुक गए, हम लोग उनकी हेल्प करी हम लोगों ने। उसके बाद पता नहीं एक्सीडेंट कैसे क्या हुआ, वो मुझे नहीं पता डिटेल में, शायद ट्रक वगैरह में हम लोग घुस गए थे तो ऐसे ही एक्सीडेंट हुआ था उन लोगों को। बट बाकी सारे बंदे सेफ थे, भैया भी सेफ थे, और बाकी से जो उनके साथ थे वो भी सेफ थे। आई होप आप लोग को गाइस वीडियो पसंद आई होगी। भाई ऐसी ट्रिप मैं करता रहूंगा इनसे इनफील्डर्स गेन के साथ। मेक श्योर क्या फॉलो कर लें उनको, चोलेटा एजेंसी को भी फॉलो कर लें। उनका दिल से शुक्रिया जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी राइड करने की दी और मेरे को बाइक प्रोवाइड करवा के दी। वन सेकंड थैंक यू। एंड गाइस हां, माय इलेवन सर्कल ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फटाफट डाउनलोड करो लिंक से, उस पे आपको मिलेगा 20% एक्स्ट्रा कैश। तो फटाफट जाओ डाउनलोड करो माय इलेवन सर्कल ऐप को, और वीडियो को पसंद आए तो पता करना है, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट मार देना। मिलूंगा आपसे दो शानदार वीडियो में, टिल देन साइनिंग ऑफ सुमेर, जय हिंद जय भारत, बाय बाय। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें।